बीजेपी पर मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी ने जुमा को इल्ज़ाम लगाया कि ज़ाफरानी पार्टी और मरकज़ में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नफ़रत के वाक़यात को रोकने के लिए कहा और कहा कि हमारे मुल्क में बीजेपी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का तूफ़ान खड़ा कर रखा है, मुसलमान सब्र और हौसला नहीं हारते। सदर मजलिस ने कहा कि आइन के अंदर रहकर हम इस जुल्म का भी मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर अवेसी ने वज़ीर आज़म से कहा कि हम वज़ीर आज़म से कहना चाहते हैं कि वो इस नफ़रत को रोकें, इससे मुल्क कमज़ोर हो रहा है। आपकी पार्टी और आपकी हुकूमत ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखा है। हम इस मुल्क के काबिल एहतराम शहरी हैं, हमारी ज़िंदगी भी अहमियत रखती है।